वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु संगत जी, सिंह साहिब बाबा जस्सा सिंह साहिब जी आलू मारिया साहब, उन्हां दा जदों पिछोकर पढ़िए, एवें नहीं एड्डी वड्डी हस्ती पैदा हुई। उन्हां दे पट वडेरे सैना सिंह जी, जिहड़े गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह दीआं फौजां दे जरनैल होए आ, छेवें महाराज दे चार जंग सैना सिंह। क्योंकि जदों भी पिछोकर पढ़िए परिवारां दे, ਉਹ ਰਾਜਪੂਤਾਨੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਸੂਰ ਵੀਰ ਬਚਨ ਕੇ ਬਲੀ ਹੋਵੇ ਐਸੇ ਚਰਨੈਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਦਸਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਸਾਵਲੀ ਨੂੰ ਗਿਣਾ। ਔਰ ਉਹ ਐਸੇ ਯੋਧੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਪਿੰਡ ਮਿਲੇ, ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੀ ਨਾ ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਂ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, क्योंकि गंडा सिंह जी बट बटेरे आलू बाली वंश दे, और वह चाहता भी इन्हों किसी ना किसी तरीके में डरा दें, इन्हों किसी ना किसी तरीके झुका दें। पर गंडा सिंह जी एडे बली सी ना तेग दे, जदों दी तेग चलती सी किवें चलती सी, ऐ दी आ हो गई, आ हो दी आ हो गई, नचदी टपदी जलियां पाउंदी, कईआं नूं वधदी, कईआं नूं टुकदी, कईआं नूं मारदी, तेग सी चलदी गंडा सिंह सरदार दी। आलू बाड़िए बाबा जस्सा सिंह दे बड़े योधे जरनैल दी कलगी धर गुरु गोबिंद सिंह दे बरखुरदार दी, उस योधे दे उसकी अगां वंश वधदी आ। साधु सिंह जो आ कलाल जिक्र चलदा ना बाबा जी, उन्हां दी वंश कलाल नहीं, वो एक बकरी कास्ते वो ब्याहे गए साधु सिंह होरी, और साधु सिंह दी वो जदों उस परिवार विच नानकियां दे घर रहण करके मुहब्बत बनी, और उस बीबी नाल विआह होया, और उन्हें वादा लिया उस परिवार ने, हां सरदारा विआह कर दिंदे आ, पर याद रखी ये जिहड़ा विआह है ना, ये फिर तुहानू ये निभाउणी पएगी। और जिउंदे रहण जुग जुग आलू बाड़ीए सरदार, उन्हां ने निभाई संगत दी।